हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर दिए हैं रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, पटना मेट्रो का ये जो 10वें युगाडर का लॉन्चिंग जो है सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भूलिए, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट लाऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं जो कि पटना मेट्रो का 10वें युगाडर का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कर लिया गया है। फ्रेंड्स, पूरी तरह से इसका अलाइनमेंट मिलाकर सेटअप कर दिया गया है और नेक्स्ट युगाडर का जो कि आपको मैं बता दूं कि प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। 11वें जो है युगाडर का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि पटना मेट्रो जो है काफ़ी रफ्तार में काम करना शुरू कर दी है। आपको मैं बता दूं कि फुल एक्टिव मूड में काम करना शुरू कर दी है। ऐसा आपको मैं बता दूं कि पटना मेट्रो जो है अभी इरेक्शन का काम जो है फुल स्पीड में, यानी कि स्पीड का रफ्तार जो बढ़ाई है, आपको मैं बता दूं कि बुलेट स्पीड में काम कर रही है। एक ऐतिहासिक स्पीड जो है, आपको मैं बता दूँ कि पटना मेट्रो का काफ़ी तेज़ी से जो है काम स्टार्ट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इरेक्शन का जो कि देख सकते हैं पर डे आपको एक युगाडर का इरेक्शन किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का आल बटन पर प्रेस करना भूलें, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट लेके आओ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, ये पटना मेट्रो की सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट थी कि 10 युगाडर जो है कम्प्लीट हो चुका है सफलतापूर्वक, जो कि ऐसे ही मैं लेटेस्ट अपडेट लेके आते रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए जगह पर, नए अपडेट के साथ। तो फिर फ्रेंड्स, ये जो था 10वें पटना मेट्रो का जो युगाडर का लॉन्चिंग का सफलतापूर्वक किया गया उसका अपडेट था। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।